हाय फ्रेंड्स, आज है 29 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारी यही कोशिश रहेगी हमेशा कि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए, सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 27 मई को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ था। वह एक कश्मीरी पंडित थे। इनकी बड़ी बहन विजय लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके अलावा उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है पूर्ण स्वराज। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू 1041 दिन तक अहमदनगर जेल में भी रहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे हैं, जो कि अभी तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिप्को कोविन किट विकसित की है? ए ऑप्शन है DRDO, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है नीति आयोग, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है DRDO, इसका राइट आंसर है। DRDO ने शीर्ष निगरानी के लिए एंटीबॉडी पहचान आधारित कोवेन किट विकसित की है। यह किट कोविड 19 महामारी विज्ञान को समझने और किसी व्यक्ति के पिछले SARS-CoV-2 जोखिम आकलन के लिए बहुत उपयोगी हैं। बात करते हैं DRDO की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सामी खेजरा ने संन्यास की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन है वॉलीबॉल, बी ऑप्शन है बास्केटबॉल, सी ऑप्शन है फुटबॉल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है फुटबॉल, इसका राइट आंसर है। बुंडेसलिगा सत्र खत्म होने पर सामी खेजरा ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है और 2014 में फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के लिए इनकी अहम भूमिका रही है। बात करते हैं फुटबॉल मैच खिलाड़ी की, तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके साथ साथ ही हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने किस देश को 6000 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश, इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड बैंक ने देश में बांग्लादेश को गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है कि तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका है और करेंसी है टका और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एटलस वी रॉकेट लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इसका राइट आंसर है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने अंतरिक्ष में एटलस वी रॉकेट लॉन्च किया है जो कंपनी के लिए 2021 का फर्स्ट रॉकेट है। अब बात करते हैं यूनाइटेड लॉन्च अलायंस की, तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2006 को की गई थी और इसके सीईओ हैं टोर ब्रोनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन और किस देश के बीच परमाणु ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है रूस, इसका राइट आंसर है। रूस और चीन के बीच परमाणु ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ हुआ है। इसके अलावा चीन और रूस ने लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से
चीन में 4 परमाणु संयंत्र बनाने के लिए सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। बात करते हैं रूस की, तो रूस की जो कैपिटल है मॉस्को है और करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है पंजाब, इसका राइट आंसर है। पंजाब सरकार ने COVID-19 महामारी में अनाथ हो गए बच्चों के लिए सुरक्षा पेंशन और निशुल्क शिक्षा के रूप में 1500 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया है। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़ है। इसके अलावा चंडीगढ़ जो हरियाणा की भी कैपिटल है, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बिदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था कुम बनी है? ए ऑप्शन है केन्या, बी ऑप्शन है माली, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है केन्या, इसका राइट आंसर है केन्या। में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। बात करते हैं केन्या की, तो केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी है और करेंसी है शिलिंग, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा है। एक बार और रिपीट करते हैं, उहुरु केन्याटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है प्रसिद्ध पर्यावरणविद, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक, सी ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रसिद्ध पर्यावरणविद इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का COVID-19 के चलते मृत्यु हो गई है। प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही है। चिपको आंदोलन की बात करें तो यह पेड़ों के कटान को रोकने के लिए चला गया था। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका था। सुंदरलाल बहुगुणा का होम टाउन उत्तराखंड में है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून है, जो कि विंटर कैपिटल है, और दूसरी कैपिटल है गैरसैंण, जो कि समर कैपिटल है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि दृष्टि पोर्टल और होप पोर्टल की शुरुआत भी उत्तराखंड में की गई है। फर्स्ट लाइकेन पार्क की स्थापना उत्तराखंड में की गई है। इसके अलावा ई ग्रंथालय की भी स्थापना की गई है उत्तराखंड में, और कार्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, तीसरा इसका राइट आंसर है। अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान तीसरे स्थान पर है, जबकि पहला स्थान अमेरिका का है और दूसरा स्थान है चीन का। बात करते हैं चीन की, तो चीन की जो कैपिटल है बीजिंग है और करेंसी है रेनमिनबी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है, और चीन और भारत के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए ऑप्शन है पिनरई विजयन, बी ऑप्शन है एम के स्टोलिन, सी ऑप्शन है ममता बनर्जी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पिनरई विजयन इसका राइट आंसर है। पिनरई विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बात करते हैं केरल की, तो केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है, और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और मसालों के लिए सबसे टॉप पर आता है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ए ऑप्शन है सौरव गांगुली, बी ऑप्शन है जय शाह,
सी ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नरेंद्र बत्रा इसका राइट आंसर है। भारत के नरेंद्र बत्रा ने दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। इसके अलावा नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में की गई थी पेरिस में, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में, और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? ए ऑप्शन है प्रियदर्शनी महिला नगर सहकारी बैंक, बी ऑप्शन है केनरा बैंक, सी ऑप्शन है सिंडिकेट बैंक, और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक इसका राइट आंसर है। आरबीआई ने प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की जो फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी कोलकाता में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन कोविड 19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट से लैस 11 वाहनों को हरी झंडी दी है। इस किट में च्यवनप्राश, काढ़ा, मास्क, सैनिटाइजर, दवाएं और मुख्यमंत्री का संदेश है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल कोविड केयर ऐप भी लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है, जिसका नाम बदलकर श्यामला कर दिया गया है, और मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, और गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। इसके अलावा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी हिमाचल में है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने यूएन सुरक्षा परिषद को संबोधित किया है? ए ऑप्शन है गृह मंत्री, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्री, सी ऑप्शन है विदेश मंत्री, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है विदेश मंत्री, एस जयशंकर है हमारे विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का सवाल है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है, यह किसके क्षेत्र में है? इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये थी आज की क्लास, अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।